आज हम लोग क्लास थर्ड सोशल स्टडी चैप्टर टू टर्म टू दिल्ली द मिनी इंडिया पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग दिल्ली कहाँ पर स्थित है और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। So let's start, student. Firstly, we see in the warm-up section. Who is the Prime Minister of India? आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। Where does he live? वो कहाँ रहते हैं? So क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी जो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफिसेस हैं वो सभी न्यू दिल्ली में स्थित है और वहीं से सब वर्क करते हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहीं रहते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे न्यू दिल्ली। इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसे टू गवर्नमेंट्स में, टू लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए, कल्याण के लिए और समृद्धि के लिए कार्य करती है, और जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस और बनाए जाते हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं फॉर होल कंट्री। और सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हर स्टेट की अलग अलग होती हैं और हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए कार्य करती है और वहाँ के लिए रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाती है। हमारे इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है और यही न्यू दिल्ली में ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है, जो मेन है ऑफिस है, वो वहीं से है और सभी वहीं से वर्क करते हैं। इसीलिए न्यू दिल्ली का जो ऑफिशियल नेम है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, मींस दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी कहलाती है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दिल्ली के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे जो राज्य शासक हैं उन लोगों ने शासन किया और अपना राज्य बनाया। यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों के राजाओं ने शासन किया और यहाँ पर अपना नगर बनाया और फिर डिस्ट्रॉय होकर नया राज्य बना। यहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली शासकों ने यहाँ पर राज्य किया, दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया। महाभारत के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप महाभारत जिन आपने सुनी होगी, महाभारत में पांडवों ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली में ही बनाई थी और पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। साथ ही मुगल शासक शाहजहां ने भी अपनी एक ब्यूटीफुल सिटी यहाँ पर बनाई थी, उसका निर्माण किया था, जिसे नाम गया था शाहजहांबाद। इस सिटी में बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध स्मारक आते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला और चांदनी चौक एरिया, जो चांदनी चौक के नाम से अभी फेमस है प्लेस, वो भी इसी में आता था। ये एरिया ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है।
ब्रिटिश शासन के समय दिल्ली को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। इसका एक पार्ट ओल्ड दिल्ली और दूसरा पार्ट न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है। न्यू दिल्ली जो है ये डिज़ाइन की गई थी ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस ने, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए थे, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटरी बिल्डिंग, ये यहाँ पर बनाए गए थे। एक साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में रेड फोर्ट का पिक्चर दिया हुआ है, लाल किले का। आप सभी लोग घूमने गए होंगे और आपने देखा भी होगा। और नेक्स्ट सेकंड आपको पार्लियामेंट हाउस का पिक्चर दिया हुआ है, संसद भवन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन एंड क्लाइमेट। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और साथ ही दिल्ली अपनी जो बाउंड्रीज है वो अदर स्टेट हरियाणा और उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्टेट है और वहीं दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्टेट स्थित है। दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम है। यहाँ पर सीजन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। गर्मी के समय समर सीजन में यहाँ पर हॉट एंड ड्राई विंड्स जो चलती हैं, जो गर्म हवा जिसे लू कहते हैं वो यहाँ पर चलती है। जुलाई और अगस्त के महीने में दिल्ली में बहुत ही हैवी रेनफॉल भी होता है, काफ़ी भारी वर्षा होती है। दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है जो कि चुनाव करके, वहाँ से चुनाव करके जो बनाई जाती है, और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ के हेड चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि यहीं पर हैं। और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सभी यहीं से कार्य करते हैं, दिल्ली से ही। यहाँ पर न्यू दिल्ली में अदर कंट्रीज़ की एम्बेसीज भी यहीं पर स्थित हैं। तो आज इस पार्ट में हम लोगों ने दिल्ली के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, दिल्ली कहाँ पर स्थित है और इसकी जो बाउंड्रीज पर कौन कौन से अदर स्टेट्स हैं, और साथ ही यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। यहाँ का बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, और यहाँ की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, कितने शक्तिशाली शासकों ने यहाँ पर राज्य किया है और अपना राज्य स्थापित किया है, इस सभी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।